तेज प्रताप ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। बिहार तो देने वाला राज्य रहा, लेने वाला राज्य तो रहा नहीं। और बिहार के अंदर जो एनडीए की सरकार है, हम लोग मिल करके मजबूती से काम कर रहे हैं। तेज प्रताप जी को जरा पूछिएगा कि उनके पिताजी के समय 15 साल अगर काम हुआ होता बिहार के अंदर, तो आज विशेष राज्य का दर्जा मांगने की नौबत ना आती बिहार को, या स्पेशल पैकेज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब उनको अवसर मिला तो लाठी में तेल पिला रहे थे, और जब हम लोगों को अवसर मिला तो कलम में स्याही भरने का काम किए हैं। उसका परिणाम है कि आज बिहार के अंदर जो 2005 में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार के अंदर है। बिहार में जो 4 मेडिकल कॉलेज था, आज बिहार में 19 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और सरकारी मिला करके। तो हम जो काम कर रहे हैं सही दिशा में, सही कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तेज प्रताप जी को कहिए कुछ दिन और बांसुरी बजा लें, कोई उलटफेर नहीं होगा। सरकार जैसे चल रही है चलेगी, सरकार राज्य की जनता के हित में बनी है। ये ठीक है, अपने अपने दलों का अपने अपने हिसाब से डिमांड रखना, वो अपने हिसाब से कोई काम कोई दल करता है, उनकी अपनी विचारधारा है, अपनी बातें हैं। लेकिन हम तो मानते हैं, जैसे अब मैंने देखा परसों स्टेटमेंट तेजस्वी जी का कि राष्ट्र निर्माण होगा जातीय जनगणना करके। अब हम लोग तो पढ़े थे राष्ट्र निर्माण होगा IIT खोल के, हम तो पढ़े थे कि राष्ट्र निर्माण होगा एम्स बना करके, राष्ट्र निर्माण होगा सैनिकों को मजबूत करके, राष्ट्र निर्माण होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके। अब ये कौन वाला फार्मूला लाए हैं ये तो वही बताएंगे, उस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जातीय जनगणना से इतर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम पड़े हैं और सभी को मिलकर करना है। इसलिए हम समझते हैं कि प्राथमिकता उसको बनानी चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, देश का एक एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़े। उसको जात में बांट करके जात को आगे बढ़ाने की बजाय हम सामूहिक रूप से सबको आगे बढ़ाएं, इसकी चिंता करें। लेकिन इन विषयों पर जो भी निर्णय लेगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, इसके लिए हमको कुछ कहना हम समझते हैं कि बहुत उचित नहीं। होना ही था नवजोत सिंह सिद्धू की पारी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक चली चुकी। हम लोग सबका साथ सबके विकास वाले लोग हैं, और उस पिच पर बहुत दिन वो खेल नहीं पाए, और हम समझते हैं कैप्टन की गुगली में क्लीन बोल्ड हो गया। कन्हैया कुमार कांग्रेस आई ज्वाइन किए होते तो ठीक था, कन्हैया कुमार कांग्रेस गई ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हमको उसकी कोई चिंता नहीं। राजद पर भी असर पड़ेगा कन्हैया को ज्वाइन करने से? निश्चित रूप से, कन्हैया अब तो राजद के जो युवराज हैं, राजद के बबुआ और कन्हैया पहले फड़िया ले कि बिहार का नेता कौन, उनके गठबंधन का बनेगा, यह तय कर लें।